नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। हमने कल आपको बताया था कि दिल्ली से पटना आने वाली इंडिगो फ्लाइट में बिहार के 3 युवकों ने पायलट के साथ और एयर हॉस्टेस के साथ बदतमीजी की थी। जी हाँ, जहां उन्होंने एयर हॉस्टेस के साथ छेड़खानी का मामला उन पर दर्ज हुआ था और पायलट के साथ बस सुलूकी करने का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद जब उन्हें पटना एयरपोर्ट पर रोका गया तो उन्होंने एक राजनीति से जुड़े होने का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के एक बड़े राजनेता के अध्यक्ष जो हैं उनका हाथ है उन पर। तो वहीं अब इससे एक और खबर जुड़ी सामने आ रही है, जहां पर जिन दो युवकों की जो कल गिरफ्तारी की गई थी, जिनकी गिरफ्तारी की गई थी, अब उन्हें छोड़ दिया गया है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि कल जो दिल्ली से पटना आने वाली फ्लाइट इंडिगो थी, उसमें ये सारा मामला सामने आया था, जिसके बाद अब ये खबर आ रही है कि उन दो युवकों को पुलिस ने रिहा कर दिया है। क्या कुछ पूरी खबर है हम आपको बताते हैं। शराब पीकर इंडिगो की दिल्ली पटना फ्लाइट में बवाल करने वाले रोहित और नीतीश को हवाई अड्डा थाने की पुलिस ने सोमवार को पटना सिविल कोर्ट की विशेष अदालत में पेश कराया, जहां से दोनों को 5,000 रुपए जुर्माना भराने के बाद रिहा कर दिया गया। दोनों के खिलाफ इंडिगो एयरलाइंस के विमान में शराब के नशे में बवाल करने का आरोप है। बिहार एक्साइज एक्ट की धारा 37 के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। विमान यात्री रोहित वैशाली जिले के नगर थाना अंतर्गत छोटी मड़ई, तो नीतीश हाजीपुर के आधौनिक थाना अंतर्गत चौक के निवासी हैं। दोनों व्यवसायी बताए जा रहे हैं वे कारोबार के सिलसिले में दिल्ली गए थे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर प्रवेश करने से पहले ही दोनों ने शराब पी थी। इसके तीसरे साथी भी नशे में होने की बात कही जा रही है, लेकिन एयरपोर्ट थाना अध्यक्ष विनोद पीटर के अनुसार प्राथमिकी में रोहित और नीतीश के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति का जिक्र नहीं है। वहीं हम आपको बता दें कि एसएसपी डॉक्टर मनवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि रोहित और नीतीश नई दिल्ली से पटना आने के लिए सोमवार को इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E6383 ली थी। दोनों ने शराब पी रखी थी। फ्लाइट में वो तेज आवाज में बात कर रहे थे, क्रू मेंबर ने उन्हें टोका, लेकिन उनके व्यवहार में तब्दीली नहीं आई। तब क्रू मेंबर ने इनकी जानकारी कैप्टन को दी। वहां से बात एसटी एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंची। रोहित और नीतीश के ब्रेथ एयरलाइंसर की जांच हुई, उसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। वही विमान से पटना लौटने पर रोहित और नीतीश को दिल्ली में ही शराब पिया था उन्होंने, और वही प्राथमिकी में तीसरे साथी का जिक्र नहीं है, एयरलाइंस एक्ट में मामला दर्ज है। तो वही सोमवार को पटना के सिविल कोर्ट के विशेष अदालत में उनकी हाजिरी हुई, जिसके बाद वो दोनों को 5,000 रुपए का जुर्माना लगने के बाद उनको रिहा कर दिया गया है। वही हम बता दें कि उन्होंने दिल्ली से पटना आने वाली फ्लाइट के दौरान जो है वो दिल्ली में ही शराब पी थी, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा जोर जोर से फ्लाइट के अंदर बात कर रहे थे, जिसके कारण और भी जो मेंबर थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, जिसको लेकर क्रू मेंबर्स ने पायलट को शिकायत की। जब पायलट ने आकर उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो बस सुलूकी पर उतर गए, जिसके बाद पायलट ने इनके खिलाफ FIR करवाया, इनके खिलाफ अथॉरिटी को जानकारी दी, जिसके बाद इन्हें पटना एयरपोर्ट पर रोका गया था। पटना एयरपोर्ट पर उन्हें रोका गया, तब इन्होंने राजनीति का हवाला देते हुए कहा कि बड़े राजनेता के अध्यक्ष का हाथ है इन पर, जिसको लेकर उनकी पर गिरफ्तारी कर ली गई थी। वहीं अब गिरफ्तारी करने के बाद इन्हें जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया है। और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।